आपके फोन के बिल हो, या फिर आपका हाउस का रजिस्ट्रेशन लाइक सिटी रजिस्ट्रेशन, या फिर हो सकता है कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से दूसरे ट्रांसफर करने से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग बताएंगे आपको इस वीडियो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और जो कि प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नई सिटी में शिफ्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये वीडियो है उसी के ऊपर। सिटी में मूव होते हो तो आपको एक एक्साइटमेंट तो होता ही है कि नई जगह देखेंगे, जैसे मेटजिंगन तो बहुत सुंदर है, पर उसके अलावा बहुत सारी ऑफिशियल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हम आपको अभी बताते हैं। सो वेलकम अगेन बडी, और आ गए नए शहर में। और जैसा सुरभि हमने प्रॉमिस किया था कि हम वीडियो बनाएंगे एक उन इम्पोर्टेंट चीजों के लिए जो जरूरी होती हैं दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए, यहाँ पर जर्मनी में स्पेशली एड्रेस चेंज होने के लिए। तो शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले आप वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर करना जरूर मत भूलना। और तो दीपक, हमने कैसे डिवाइड किया है ये वीडियो? देखो, ये हमारा जो प्रोसेस है वो हमने डिवाइड किया है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये चीज़ें करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एड्रेस चेंज कर रहे होते हैं जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर क्या चीज़ें करनी होती हैं सबसे पहले, फिर जब दूसरे शहर में दूसरे घर में आ जाते हैं फिर क्या करना होता है उस ऑर्डर में। तो सबसे पहले जब हमने हमारे सारी प्रोसेस हो गई, हमारा घर चेंज होने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 दिन बाद हम शिफ्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें इंटरनेट आपका जो भी इंटरनेट कनेक्शन है वो ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिटी मीडिया था, तो ऑनलाइन जाइए आप या उनको कॉल कीजिए और उनको इन्फॉर्म कीजिए एड्रेस चेंज हो जाएगा आपका, पहली चीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप नहीं होगा, आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब एड्रेस चेंज हो जाएगा आपको एक नया कस्टमर नंबर मिलेगा, आपका पुराना ख़त्म हो जाएगा। या तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं हमें इंटरनेट के बिना हम एक दिन भी नहीं रह पाते। तो दीपक, ये प्रोसेस तुमने कितने दिन पहले स्टार्ट कर दी? मैंने 1 महीने पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया था ईमेल पे, और बहुत सिंपल है, उन्होंने लेटर भेज दिया, उन्होंने पूछा आपका न्यू एड्रेस क्या है वो बताओ, वो बताया, उन्होंने बोला हम ऑलरेडी उस एड्रेस पे हैं, आप अपनी मॉडेम लेके जाओ और सीधा कनेक्ट कर लो अपार्टमेंट में, बस हो गया, सिंपल। अगर वो नहीं है उस एड्रेस पे तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनको केबल डालना या जो भी कनेक्शन करना वो सब करना पड़ता है। हाँ, तो सेकंड पॉइंट बताने से पहले आपको पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है वो जरूर बता दो। फोन भी करना होता है क्या ट्रांसफर? ऑफ कोर्स यार सुरभि, वो वही तो है हमारा सेकंड टॉपिक। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपका जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जनरली मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, फोन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेते हैं। जैसे कि एक साल, हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो जो आपका फ़ोन का बिल है वो आपके एड्रेस पर ही आता है, तो आपको आपके अकाउंट में जाके ऑनलाइन और आपका एड्रेस चेंज करना होता है उसमें भी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चेकलिस्ट में उसको भी ऐड करना ना भूलें। दूसरी चीज़ तो दीपक, तीसरी चीज़ जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो करना, आई थिंक किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, और अगर वैसा नहीं किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये होता है सिटी रजिस्ट्रेशन, है ना? तो अभी हम लोग थे छत्तीसगुमंड में, मतलब इससे पहले, और अब हम आ गए मेटजिंगन में जो दिख ही रहा है। तो सिटी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और ये कहाँ कराते हैं लोग? सुरभि, जैसे तुमने भी एक्सपीरियंस किया है, ये हमें रात हाउस में कराना होता है उस शहर के, तो तुम्हें पता है प्रोसेस, तुम एक्सप्लेन करो बेटर है। हाँ, तो हम लोग ने क्या किया था, आपको थोड़ा क्लिप भी दिखाते हैं। एक जिस दिन हम लोगों को, मतलब हम शिफ्ट हुए थे उसके बाद हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया था रात हाउस में। हुँ.
राथ हाउस में हमें जब अपॉइंटमेंट मिला उस दिन हम लोग गए थे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, लाइक जो हमारा पहले वाला रेसिडेंट कार्ड है वो, अपना पासपोर्ट और जो उनका लेटर आया था वो लेके गए हम लोग। और उसके बाद उन लोगों ने बोला कि वो तुरंत भी एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनकी मशीन जो थी वो ख़राब थी, तो उन्होंने हमें वो है नेक्स्ट टाइम का अपॉइंटमेंट दे दिया। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपका कार्ड है वो चेंज नहीं होगा, उसमें सिर्फ जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो सेम कार्ड लेके आप जाओ और आपका जो एड्रेस है, जो न्यू एड्रेस है वो चेंज करा दो। राथ हाउस या आपका जो आउसलैंडर आर्म्ड है आपकी सिटी में, वहाँ पर ये होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, पर ये कराना बिल्कुल मत भूलना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ओनर जो है आपका, जिसमें आप शिफ्ट हुए हो, जिस भी घर में शिफ्ट हुए हो, वो एजेंसी वाले या ओनर आपको एक लेटर भी देंगे जो कि सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, तो वो भी आपको देना पड़ता है। तो सभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका कार ट्रांसफ़र, जो कार का जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफ़र कराना आपको न्यू सिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जिस सिटी में जाते हो वहाँ के लोकल RTO में या जो 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 लाइसेंस भी हॉलीडे जो भी बोलते हैं उसको, वहाँ पर जाकर आपको अपना नया एड्रेस प्रूफ देना है और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेंज कराना है टूवर्ड्स अ न्यू सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अभी तक जितने भी पॉइंट्स बोले हैं उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब ट्रांसफ़र कराना ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर मैं एक और पॉइंट ऐड करूँ, उसमें सारी चीज़ें आएंगी आपकी, आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है जिस कंपनी के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको चेंज कराना है, आपका कोई अदर दूसरे इंश्योरेंस है वो आपको चेंज कराने ऑनलाइन हो जाते हैं सिंपल। एक और इसी में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका बैंक में जो आपका जो एड्रेस है वो चेंज कराना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे पता ही है मैक्सिमम लेटर्स घर पर ही आते हैं, सारी चीज़ें आपके घर आएंगी तो वो भी चेंज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं इजीली। तो कुछ चीज़ें जो है वो अपॉइंटमेंट लेके होती हैं, बट ये जो चीज़ें दीपक ने अभी बताई है ये सारी ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। लाइक मैंने जो अपना बैंक अकाउंट है वो ऑनलाइन ही चेंज कर लिया, एंड देन गाड़ी का तो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बट अदर देन जो इंश्योरेंस और वो सारी चीज़ें वो आप ऑनलाइन जो है वो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई हमने जो एड्रेस है वो चेंज कर लिया, या तो ईमेल के थ्रू या अगर उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें चेंज करके। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपको अपने ऑफिस में भी इन्फॉर्म करना होता है HR को कि आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है, क्योंकि आपके ऑफिस रिलेटेड भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो लेटर होते हैं वो घर पे आते हैं, आपको पता ही है जर्मनी जो है वो सब कुछ ही लेटर के थ्रू भेजती है, तो वो करना भी मत भूलना, अपने HR को मेल करना कि भाई हमारा जो एड्रेस है वो चेंज हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका फाइनेंस आर्म्ड में, जो फाइनेंस ऑफिस होता है बेसिकली यहाँ पर, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्या होता है ना यहाँ पर आपको एक टैक्स ID मिलता है और एक टैक्स नंबर। जो टैक्स ID मिलती है वो आपकी हमेशा कॉमन रहती है, आपकी जर्मनी में आप रहोगे वही एक ID रहेगी। टैक्स नंबर जो होता है वो आपको सिटी के हिसाब से मिलता है, हर सिटी में जो फाइनेंस ऑफिस है वो आपको अलग देगा। तो जो हमारा पुराना टैक्स नंबर था वो हम नई सिटी में आए हैं यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो अब जब नई सिटी में जाते हैं तो आप उनको अपना एड्रेस चेंज करवाइए और नया टैक्स नंबर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टैक्स फाइल करने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जिम। तो जिम एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जैसे पता ही हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर 1 साल 2 साल का, तो जिम में भी क्या होता है यहाँ पर, अगर आपकी जिम आपने एड्रेस चेंज किया और उस नई सिटी में आपकी जिम है एक सर्टेन रेडियस के अंदर, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो मैक्सिमम जिम ऑफर करती हैं। तो आप जिम में अपना एड्रेस चेंज कराना मत भूलिए, अदरवाइज आपका जिम का जो पैसा है वो कटता रहेगा और आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा अगर उनकी जिम आपके एरिया में है, तो जिम का एड्रेस चेंज कराना मत भूलिए, ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका जो घर का डॉक्टर, जिसे यहाँ पर हाउस आर्ट बोलते हैं या डॉक्टर्स बोलते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन। तो हाउस आर्ट में रजिस्ट्रेशन तो आपको करवाना ही है, उसके अलावा जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, जैसे फीमेल डॉक्टर हैं, जैसे हम बोलते हैं ना डॉक्टर आज पेट दुख रहा है, डॉक्टर आज सर दुख रहा है, उसके लिए आपको हाउस जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके दो रीज़न है, एक रीज़न तो ये है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम है, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो अगर आपको छुट्टी चाहिए ऑफिस से तो वो जो भी रिसिप्ट होती है वही लोग देते हैं, तो उसकी वजह से। और सेकेंड चीज़ आपके पास डॉक्टर होना चाहिए सिटी में, नहीं तो आप दूसरे सिटी में तो नहीं जाओगे, वहाँ पर कुछ भी होता है आपको वो
और दूसरी चीज़ है फीमेल डॉक्टर, जैसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है फीमेल डॉक्टर, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहला जो अपॉइंटमेंट है लाइक प्रीवियस डॉक्टर के साथ वो अक्टूबर में है, जब तक मैं यहाँ पर रजिस्टर करवा लूँगी तो यहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आई थिंक 6 महीने या 1 साल में, यस 1 साल में अपॉइंटमेंट मिलेगा, और फिर मैं वो वाला जो है वो ख़त्म करा के यहाँ पर मेरे पास एक फ़ीमेल डॉक्टर होगी। तो डॉक्टर रजिस्ट्रेशन जो है ये भी आप कराना मत भूलना, ऐसा मत करना जिस दिन आपको तकलीफ़ होगी उस दिन जाके आप डॉक्टर को बोल रहे हो डॉक्टर डॉक्टर कुछ हुआ है हमें। ओके सुरभि, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है एक्चुअली और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके बहुत लेटर्स आते हैं जर्मनी में, है ना। आप अगर बाई चांस कुछ जगह पे आपका एड्रेस चेंज कराना अगर भूल जाए, तो सबका एक कॉमन सॉल्यूशन है, आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, ठीक है, वहाँ पर एक सर्विस होती है, 18 या 19 यूरो लगते हैं 6 महीने के, आप वहाँ पर जाके अपना नया एड्रेस दे दीजिए उनको, तो आपके जितने भी लेटर्स आएंगे दुनिया भर में कहीं से भी चारों तरफ से, बैंक से, यहाँ से, ऑफिस से, वो ऑटोमेटिकली आपके नए एड्रेस पे भेज दिए जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे और लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को बहुत बार एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत सारे जो पार्सल्स हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे पता भी नहीं होता किस किस कंपनी से आ रहे हैं, एड्रेस कहाँ पर क्या दिया हुआ है पुराना, कुछ भी नहीं पता होता, तो उस केसेस में मुझे ये कराना जरूरी था, हमें ये कराना जरूरी था, तो हमने ये करा लिया। और ऐसी एक फ्री सर्विस भी है umcn.de पर, वो भी है, पर बेटर है ये आप सर्विस ले लो 6 महीने की, ये बहुत इफेक्टिव है और आपके सारे लेटर्स डाइवर्ट हो जाते हैं आपके नए एड्रेस पर। ये उन लोगों के लिए भी काम आता है, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर जर्मनी आया था ऑन साइट, आप यहाँ पर रहे एक साल बाद आप वापस जा रहे हो, तो आपके कुछ लेटर्स डेफिनेटली आएंगे बैंक से और कंपनी से इधर उधर से आपके जाने के बाद भी, तो आप अपने किसी फ्रेंड का एड्रेस दे सकते हो 6 मंथ्स के लिए, कुछ 18-19 यूरो लगेंगे, आपके सारे लेटर्स वहाँ पहुँच जाएंगे, वो आपके फ्रेंड के थ्रू आप स्कैन करके मंगा सकते हो। तो या तो इसी के साथ हमने सारी चीज़ें बता दी जो हमने करी या हम करने वाले हैं इन फ्यूचर में चेंजेस। अगर आपने भी ऐसा डिसाइड किया है कि आप सिटी चेंज कर रहे हो, अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, तो आप ये सारी चीज़ें करना मत भूलना, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम शेयर करते हैं ताकि आपकी लाइफ जर्मनी में जो है वो ईजी हो जाए। आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा पॉइंट है जो आपको नहीं पता था जर्मनी में रहने के बाद भी, वो ज़रूर नीचे कमेंट करना, और ऐसा पॉइंट जो हम लोग भूल गए हैं और आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो में बताना ज़रूरी था, वो भी ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि फीडबैक्स जो हमें मिलेंगे उसी से हम जो है वो बहुत अच्छा और कर पाएंगे, तरक्की करेंगे। हाँ, तो बाय बाय गाइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बहुत इंटरेस्टिंग।